हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे और आलू से बर्फी की रेसिपी। इसमें ना हमें दूध की ज़रूरत है, ना तो हमें मावा की ज़रूरत है। बहुत ही कम सामानों से बनके ये तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक पैन और हम डालेंगे इसमें एक छोटी कटोरी से आधा कटोरी घी। घी आप कोई भी ले सकते हैं। घी को हम हल्के फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें एक छोटे कटोरी से डेढ़ कटोरी के करीब मैदा। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अच्छे से भून लेंगे। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो ही होना चाहिए और बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, ये वाइट से हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो हमें इसी स्टेज तक भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, इसे नारियल का भूरा भी बोला जाता है और बहुत लोग नारियल का भूरादा भी बोलते हैं। और ये हमने लिया है उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने मैदा डाला था। तो मैंने आधा कटोरी लिया है। अब इसको हम डेढ़ से दो मिनट तक भून लेंगे, बिल्कुल बराबर चलाते हुए भूनेंगे इसे ताकि इसमें अच्छा सा सौंधापन आ जाए। तो ये भून चुका है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे एक बड़े चम्मच से एक चम्मच मिल्क पाउडर, तो इसे भी हम डाल देंगे और इसको भी हम एक डेढ़ मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पे। इसे डालने से बहुत ही टेस्टी बनती है बर्फी, क्योंकि ये मैदे का बिल्कुल टेस्ट ही चेंज कर देता है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मैदे से बना हुआ है। तो बर्फी में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बर्फी के अंदर और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसको ज़रूर डालें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ता। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो आप डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पैन में डेढ़ कटोरी पानी और इसी कटोरी से अब मैं डालूंगी एक कटोरी चीनी। डेढ़ कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ मैं। अब इसको मैं तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि चीनी अच्छे से घुल न जाए। अब इसमें मैं डाल दूंगी तीन से चार बूंद गुलाब जल। आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो स्किप कर दें, लेकिन इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको भी डालने के बाद मैं मिक्स कर लूंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। तो चाशनी हमने पका लिया है, चाशनी हमारी पक चुकी है। तो हमें एक तार वाली चाशनी पकानी है। तो ये देखिए, ये देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो ये हो चुका है क्योंकि ये उंगलियों के बीच में चिपक रहा है और तार सी थोड़ी सी बन रही है, तो यानी ये हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो जब चाशनी हमारी हल्का गुनगुना रहेगा तभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फिर इसको मिक्स करते जाएंगे। तो मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा इसमें जगह बना लिया है मैंने और इसमें फिर से मैं थोड़ा सा चाशनी को डाल दूंगी। और ये चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा गर्म ही होना चाहिए। अब इसको हम डालते जाएंगे और इस सेम इसी प्रोसेस में मिलाते जाएंगे इसको। तो ये देखिए, मैदे के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा चाशनी डालते हुए मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल किया हुआ आलू। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो आलू को बहुत ही अच्छे से मैश करना है फिर डालना है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो आलू को भी डालने के बाद हम इसको भून लेंगे दो तीन मिनट के लिए और मिक्स करते हुए इसको चिकना सा कर लेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इसे करना है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने मैदे और आलू को अच्छे से मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल चिकना सा हो गया है भूनते भूनते और ये बिल्कुल डो की तरह तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको गैस के ऊपर से हटा लेंगे। तो गैस के ऊपर से हमने इसको हटा लिया है, अब हम क्या करेंगे कि बर्फी जमाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हल्का सा गर्म रहेगा तभी फटाफट से प्रोसेस को कर लेंगे। तो अब हम करेंगे क्या कि इसमें से आधा पार्ट्स कर लेंगे और एक थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए और एक थोड़ा सा कम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कम ले रही हूँ और एक ज़्यादा ले रही हूँ। तो जो ज़्यादा वाला है उसको हम साइड में रख लेंगे और जो कम वाला है उसको हम एक प्लेट में लेंगे और उसमें कलर को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें डबल लेयर की बर्फी बनानी है। मैदे और आलू से बनी हुई ये बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया है और फूड कलर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको कलर कर लेंगे। तो हाथों से मिक्स करेंगे, एक ही बार ज़्यादा कलर नहीं डालना है, तो मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, कम पड़ेगा तो और डाल दूंगी मैं बाद में। फूड कलर शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने जो कलर यूज किया है वो है थोड़ा सा रेड और थोड़ा ऑरेंज कलर पे। तो कलर थोड़ा कम लग रहा है तो फिर से मैं थोड़ा सा कलर ले लूंगी और गुलाब जल डाल के मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो दूध में भी मिक्स कर सकते हैं कलर को, लेकिन दूध नहीं डालने से इस मिठाई को आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ चाशनी और घी का यूज हुआ है। तो बर्फी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली लिया है और इसमें घी लगा लिया है। आपके पास अगर केक टिन है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होता है इसलिए मैं थाली में बता रही हूँ। तो आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केक टिन में ही जमाएं। ये देखिए मैंने इसको लंबा सा शेप दे दिया है और शेप देने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे ताकि ये फैल जाएगा। तो इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम क्या करेंगे कि साइड साइड से इसको अच्छे से शेप दे देंगे ताकि हमारी बर्फी जब कटेगी तो अच्छे शेप में कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फैलाते जाएंगे और साइड साइड से अच्छे से शेप में लाते जाएंगे। तो हाथों से इसको अच्छे से शेप दे दें चारों तरफ से। जो बच्चों के पास लंबी वाली टिफिन होती है उसमें बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, तो अगर आपके पास है तो आप उसमें बना सकते हैं। मैंने एक गेहूं के आटे का बर्फी बना के डाला हुआ है चैनल पे, तो उसमें मैंने टिफिन का ही यूज किया है, बहुत ही परफेक्ट बनता है उसमें, तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं जो कलर करके रखी थी उसको ले ली हूँ, तो इसको भी हम लंबा सा शेप देंगे और फिर हाथों में शेप देने के बाद क्या करेंगे कि इसको हाथों पे ही फैला लेंगे। आप चाहे तो इसे अलग किसी बर्तन पे रख के फैला सकते हैं, लेकिन मैं हाथों पे ही फैला रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बर्फी बन जाती है, ना तो हमें बटर पेपर की ज़रूरत है ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत है। हाथों से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, देसी जुगाड़ लगाया जा सकता है। तो ये देखिए ये फैल गया है अच्छे से। तो अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और अब हम क्या करेंगे कि इसको भी इसी के बराबर कर लेंगे फैलाते हुए, तो ये आराम से फैल जाता है। ये देखिए अब हम इसको बराबर कर लेंगे इसी के। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसको बराबर कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे से बराबर हो गया है और साइड से भी मैंने इसको अच्छे से शेप दे दिया है हाथों से। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स को लगाऊंगी, आपको जो भी पसंद है आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसको मैं कहीं कहीं पे लगा दूंगी। बादाम भी इस पे लगा दूंगी ताकि ये अच्छा भी दिखे और खाने में बहुत टेस्टी भी लगे और साथ में ये हेल्दी भी है। तो इसको भी हम कहीं कहीं पे चिपका देंगे ताकि ये जब काटेंगे तो निकलेगा नहीं, तो हल्का सा प्रेस करते हुए लगाए ताकि ये इसके अंदर चिपक जाए। अब मैं कुछ और भी लगा दूंगी इसके ऊपर, एक चॉकलेट जैसा आता है छोटा छोटा, तो उसको भी मैं लगा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन मेरे पास पड़ा था तो मैं सोची लगा देती हूँ, अच्छा भी लगेगा और बच्चे मन से खाते भी हैं। तो ये देखिए इस टाइप का आता है ये, तो इसको भी मैं कहीं कहीं पे लगा दूंगी। ये कलरफुल आता है, ये भी लगाने से बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा ये। लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होने देंगे, 2-3 घंटे के बाद ही काटेंगे,
क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा डर रहता है टूटने का काटते समय, तो इसलिए इसको 2-3 घंटे बाद ही हम काट लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। काटने के बाद आप इसको फ्रिज में डाल सकते हैं या फिर बाहर रख सकते हैं, तो ये हार्ड हो जाता है, फिर खा सकते हैं आप जब मर्जी हो आपकी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर डाल देंगे। तो 2-3 घंटा हो गया है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है, ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, तो अब हम इसको काट लेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट रहेगा तो इजीली कट जाएगा। तो पहले इसको हम लंबाई में काट लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली कट रहा है, ये कोई परेशानी नहीं हो रही है कि इधर से टूट रहा है उधर से टूट रहा है, आराम से कट गया है ये देखिए। इसी तरीके से हम लंबाई में काट लेंगे। तो इसमें से हम 4 पीस निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लंबाई में काट लिया है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुई है हमारी बर्फी, बहुत ही अच्छा बना है ये। तो अब हम क्या करेंगे कि बीच से भी इसको सेम उसी तरीके से काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बीच से काट लिया है, थोड़ा सा लंबाई और थोड़ा सा चौड़ाई दे दिया है। तो बहुत ही अच्छी बन के बर्फी हमारी तैयार है मैदे और आलू से। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।